नमस्कार साथियों, मैं हिंदू नरेश पटेल, टीम मोदी सपोर्टर संघ, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। आज आप सभी जानते हैं कि संजय सिंह जी ने राम मंदिर पे एक मुद्दा बना रखा है, और वो मुद्दा क्यों बनाया है, क्योंकि उनको राम भक्तों के वोट चाहिए। इसके लिए उन्होंने राम मंदिर पे एक मुद्दा बना रखा है, और ये वही लोग हैं जो राम मंदिर बनने के लिए अड़चनें पैदा कर रहे थे। कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दीजिए। आज वही लोग मुद्दा कि राम मंदिर पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अरे घोटाला कैसे हुआ, आपको कैसे नॉलेज हुई? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनको भारतीय लोगों से इतना प्यार नहीं जितना कि इनको रोहिंग्या मुसलमानों से है। इन्होंने इतने रोहिंग्या मुसलमान लाके यूपी में भी बसाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि योगी सरकार को हटा दिया जाए और इनके फर्जी वोटों से हम जीत जाएं। इसलिए इन्होंने रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में खूब बसाना स्टार्ट कर दिया। और एक विधायक अमानतुल्ला खां है, वो तो उसको तो मुसलमानों से भी, यहाँ के जो मुसलमान हैं उनसे भी प्यार नहीं है। उसको रोहिंग्या मुसलमानों से इतना प्यार है कि वो उनके लिए तो यहाँ के मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो सोचिए, जिस देश में हर किसी को पता है कि अभी रोज़गार नहीं है, बेरोजगार ज़्यादा हैं, तो जब आपको ये बात पता है कि यहाँ रोज़गार नहीं है तो क्यों फिर बाहरी देशों के लोगों को यहाँ लाके बसा रहे हो? ऐसा क्यों? क्या तुमको भारत की जनता से प्यार नहीं? क्या तुम भारतीय लोगों से दूर रहना चाहते हो? तो आप भारत में क्यों बसा रहे हो? बाहर चले जाइए। आप जब भारत में आपकी आबादी या षड्यंत्र को ही और भी लगा सकते हैं ये, क्योंकि इनका एक सिस्टम होता है कि ये जब 50% आबादी पूरी कर लेंगे भारत में, फिर ये इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग करने लगेंगे। या यही तो प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं अमानतुल्ला खां जी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये अमानतुल्ला खां यही प्लान बना रहा है कि जैसे ही इनकी 50% आबादी हो जाएगी उसके बाद ये इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग करने लगेंगे। और यही विचारधारा इस अमानतुल्ला खां के अंदर है और ये यही सोच रहा है। ये आप लोग समझ लीजिए कि हमको यूपी से रोहिंग्याओं को भगाने की मांग करनी चाहिए कि यूपी में कोई भी रोहिंग्या मुसलमान ना बसे। तो इसकी हम सबको मांग करनी चाहिए। और ये अमानतुल्ला खां जो बहुत ही खतरनाक आदमी बनता जा रहा है लगातार, और आप देख रहे हैं ये किस तरह से सिंचाई विभाग की ज़मीन पर रोहिंग्याओं को बसाया है, और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा भला जो किया है अमानतुल्ला खां ने उन रोहिंग्याओं का किया है, जो कि सिंचाई विभाग के अधिकारी उसको खाली कराने जाते हैं तो यही अमानतुल्ला खां उनको धमकी देता है और वहाँ से डिबेट छोड़ के भाग जाता है। यही अमानतुल्ला खां जिसको भारतीय मुसलमानों से प्यार नहीं और बांग्लादेशी, म्यांमार के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से इनको इतना प्यार हो गया है कि ये यहाँ के मुसलमानों की नहीं सुनकर उन रोहिंग्याओं को जाकर खाना खिला रहा है। और यही आम पार्टी का जो एजेंडा था कि घर घर जाकर राशन बांटेंगे, वो एजेंडा यही था कि यहाँ के भूखे प्यासे लोग ऐसे ही रह जाएं और जो राशन है वो रोहिंग्या को ले जाकर देंगे। यही प्लानिंग थी माननीय केजरीवाल की, जो केजरीवाल समय समय पर टीवी पर आकर डिबेट करते रहते हैं, विज्ञापन चलाते रहते हैं, पैसा बहाते रहते हैं। बस यही चलता है। अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो कोई विकास नहीं है। गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी गालियां जो आज तक आपने सुनी ना हो, ऐसी गालियां दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिलती हैं। और उसके जो बॉडीगार्ड हैं
वो भी कम नहीं है, वो इससे भी नंबर वन चलते हैं। देख लो भाई, संजय सिंह जी जो अस्पताल की मांग करते थे, आज वो कह रहे हैं कि राम भक्तों के साथ अन्याय हो गया। अरे मेरे भाई, आपको तो कोई लेना देना नहीं था। आज ये सोचिए आप कि वही लोग जो लोग अपनी जान को निछावर कर गए, ठीक है, क्या सिर्फ राम मंदिर के लिए, और आज वही राम मंदिर जब बनने लगा तो आप लोगों को वोट बैंक के लिए ये प्रश्न, ये मुद्दे बनाने चालू कर दिए कि राम मंदिर ना बने, उसको हम बनाएंगे। अरे भैया, तुमने तो बहुत समय से बना लिया, तुम्हारी सोच में, कांग्रेस की सोच में, ममता बानो की सोच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम हो, सेम कैटेगरी के हो, ठीक है। तुम्हारी बस की नहीं है कि तुम भारत देश की जनता को खुश कर सको, तुम सिर्फ अपने ही चंद लोगों को खुश करोगे। जो रोहिंग्या मुसलमान तुम बसा रहे हो भारत में, भारत की बर्बादी का मुख्य कारण बना रहे हो, ठीक है। तो आपको तो भारतीय जनता वैसे भी वोट नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग रोहिंग्याओं को बसा रहे हो भारत में। खाने के लिए लोगों को आप ही कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, कि मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी हद तक पहुँच गई है कि लोग गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी गाली मोदी योगी को बकते हैं। अब आप ये सोचिए कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसाओगे तो रोजगार ज़्यादा मिलेंगे, या रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। आपको तो केवल मुद्दा चाहिए, मुद्दा ये चाहिए कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएं, इसके लिए आपको मुद्दे चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ये भारत की जो जनता है ना, वो समझ चुकी है, जान चुकी है कि आप किस कैटेगरी के आदमी हो। आप कांग्रेस की सोच वाले हो, वही कांग्रेस जिसने राम सेतु पर सवाल उठाए थे। अरे इसने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर को भी काल्पनिक बताया था, और आज वही कांग्रेस वाले भगवा डालकर टीवी पर दिखाई देते हैं। और अखिलेश जी, भैया राम मंदिर बनाने पर इनका भी काफ़ी मुद्दे उठे थे ताकि राम मंदिर ना बने, और आज वही अखिलेश जय श्री राम मंदिर जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे भैया, क्यों अपनी राजनीति चेंज कर रहे हो? सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए? अब ऐसा नहीं चलेगा अखिलेश जी, जनता जान चुकी है। आपके वही कुछ चंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भटक रहे हैं, तो उन चंद लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ये तो भगवान श्री राम ही जानते हैं कि आगे क्या होगा। आप मुद्दे कितने भी बनाओ, कोई मुद्दा आपका सफल नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि आज के समय में हर कोई अपना दिमाग इस्तेमाल करता है तब जाकर वोट देता है। आपके दिमाग से वोट नहीं देगा, वो सोचेगा, 10 बार समझेगा तब जाकर वोट देगा, ठीक है। तो साथियों, सोचो समझो कि अच्छा कौन है आखिर। आखिर हमको रोटी कोई नहीं खिलाती, कोई पार्टी नहीं खिलाती, ना ही कोई मुख्यमंत्री खिलाता। हम अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर क्या है ना कि हमको कुछ काम तो चाहिए। काम सबसे पहला, देश सुरक्षित हो। देश का जवान जो होता है ना, वो सबसे मेन होता है, ठीक है। वो हमारे देश की रक्षा करता है, आप उसके हाथ बांध देते हो। सुनिए मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, आप लोग तो हाथ बांध देते हो उसके, तो हमको ये उचित नहीं है। हमको हाथ खुले होना चाहिए, गद्दारों को देश से बाहर निकालना चाहिए। अखिलेश जी तो भैया अपने साथ में इतने हिस्ट्री सीटर लोग रखते थे, आज सामने आया कि ऐसे ऐसे हिस्ट्री सीटर थे, तभी तो ये दबंग आदमी थे। अरे योगी जी के पास भी होना चाहिए दबंग आदमी, हिस्ट्री सीटर, तब तो इनकी तो बोलती बंद हो जाती। लेकिन योगी जी ऐसे नहीं है, योगी जी बहुत सीधे साधे हैं, ठीक है। योगी जी लेकिन टेढ़े के लिए टेढ़े भी बहुत हैं, ये भी ध्यान रखना।
तो हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो देश को एक साथ लेकर चलें, समाज को एक साथ लेके चलें, जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको एक साथ लेके चलें, लेकिन गद्दारों को बिल्कुल ना बख्शें। बस इतना चाहिए, यही हमारा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वोट देने से पहले 10 बार सोच लें कि आखिर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कौन है, आखिर देश के लिए अच्छा कार्य कौन कर सकता है। सोचें समझें जब वोट दें, केवल गुमराह ना बने। ये गुमराह पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं जो हमेशा लोगों को गुमराह बनाती रही हैं, अब तक गुमराह ही बनाते आए हैं। तो अब जो 7 सालों से जो हुआ है वो कुछ अलग ही हुआ है। कभी दंगे आप 2014 से पहले के देख लीजिए और 2014 के बाद के दंगे देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन पार्टी अच्छी है। जिसमें ज़्यादा दंगे होंगे वही ख़राब है, जिसमें कम दंगे होंगे वो अच्छी है। और आज के समय में तो दंगे की बात मत करिए, कांग्रेस, समाजवादी, अपना आम पार्टी, ये जितनी भी विपक्षी विरोधी पार्टियां हैं सब दंगा कराने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। सोच रही हैं जल्द से जल्द दंगे में दंगे होते रहें और योगी मोदी को हटा दें। तो बस सीधी सी बात है, ये लोग सिर्फ दंगा भड़काना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काना चाह रहे हैं। अभी जो दाढ़ी वाला मैटर हुआ था उस पर देखिए राहुल जी, अखिलेश जी, तमाम लोगों ने किस तरह के ट्वीट किए थे, और वो बिल्कुल गलत है। उसको जिस तरह से मारा गया उस तरह से उसका कुछ नहीं है, उसमें मुस्लिम थे, ठीक है, वो आपस में ही उनकी लड़ाई थी, कोई जय श्री राम का नारा, कोई कहीं से कुछ नहीं था। लेकिन ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं, आपस में लड़ाई लड़वाना चाह रहे हैं। तो इनकी चालबाजियों में मत फंसो, ठीक है, अपने सोचो दिमाग से, बाकी कुछ नहीं है। धन्यवाद साथियों।